कुछ ऐसे वर्ड अंग्रेजी के जो कि हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और छोटे बच्चों में कंफ्यूजन पैदा करने के साथ साथ उन्हें गलतियां करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एक ही वर्ड यूज करते हैं, और इंग्लिश में उसी के लिए एक से ज्यादा वर्ड आ जाते हैं। जैसे देखना, देखना, आप देखने के लिए अंग्रेजी में ये तीन वर्ड देखेंगे, एक सी है, एक वॉच है, एक लुक है। तो क्या देखने के लिए जब अंग्रेजी के तीन वर्ड दिए गए हैं, इंग्लिश के तीन वर्ड दिए गए हैं, तो जिनका जब चाहे वहां यूज कर ले? या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, कोई रोल है क्या? हाँ बिल्कुल है। आज के वीडियो में हम यही अंतर देखेंगे कि सी वॉच और लुक में क्या अंतर होता है। और दोस्तों, सी लुक वॉच में जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी भी हम सी की जगह वॉच, वॉच की जगह सी, या इनकी जगह लुक का यूज कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंटरचेंजली एक दूसरे के लिए यूज करने लगे तो निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ होने वाला है और इसका अर्थ कुछ बदल जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है, कब हम सी का यूज करें, कब वॉच का यूज करें, और कब लुक का यूज करें? बताता हूं आज की वीडियो में ये तीनों वर्ड में आने वाले अंतर में, तीनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है, जो अंतर है यूज में, वो पूरी तरह से आज के वीडियो में क्लियर होने वाला है। कैसे, देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर देखिए सी की बात, अगर मैं करूं सी की बात में, सी में क्या है, सी का मतलब देखना, लेकिन उसको देखना जो विदाउट पर्पज है, मतलब जिसको देखने के लिए आपने उद्दिष्ट नहीं बताया था, उद्देश्य नहीं बताया था, अकस्मात आपको दिख गया, आप उसे देखने नहीं गए थे, आपका उसको देखने का पर्पज नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, रास्ते में मिल गया, देख लिया आपने, अब ऐसे देख लिया जो उसको, तो आप उसको क्या यूज करेंगे, सी, सी सा सी। अब एग्जाम्पल आप समझ जाइए, एग्जाम्पल देखिए यहां पर, आई सा एन एलिफेंट वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय हमने एक हाथी देखा, स्कूल जाते समय मैंने एक हाथी को देखा। अब आप घर से निकले क्यों थे, स्कूल जाने के लिए, हाथी देखने नहीं निकले थे, निकले थे स्कूल जाने के लिए। अब रास्ते में दिख गए हाथी, गणेश जी, आप देख लिए, ऐसी कंडीशन में देखने के लिए आप किसका यूज करेंगे, सी का, सा का, सीन का। अब और एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ ए टॉल मैन इन द फेयर इन द मार्केट, मैंने बाजार में एक लंबे आदमी को देखा, बाजार में लंबे आदमी को देखा। अब बाजार क्या आप लंबे आदमी को देखने गए थे? नहीं ना, क्यों गए थे, बाजार में कोई और काम होगा, कोई और उद्दिष्ट होगा, कोई उद्देश्य होगा। अब आदमी जी दिख गए तो आपने देख लिया, और ऐसे देखने में कभी भी आप क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे। ठीक बात है भाई। दूसरी बात, दूसरा एक उद्देश्य होता है, जो चीजों में मूवमेंट ना हो, हलचल ना हो, स्थिर हो, उसको देखने के लिए आप वहां पर सी का यूज कर सकते हैं। दो चीजें हो गई, एक जिन चीजों में, जिन ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ना हो, मोशन ना हो, गति ना हो, हलचल ना हो, ऐसी चीजों को देखने में किसका यूज करने वाले हैं, सी का यूज करेंगे। और ऐसी चीजें जिनका उद्दिष्ट, जो आपका एम नहीं था, वो आपका एम नहीं था, आप मार्केट में एक आदमी देखते हैं तो उस आदमी को देखने नहीं गए थे, स्कूल जाते समय आप एक हाथी देखते हैं तो हाथी देखने नहीं गए थे, आप स्कूल गए थे, स्टडी करने के लिए गए थे, ऐसे में हाथी दिख गया तो देख लिए, ऐसे में आप हमेशा सी का यूज करेंगे। बात समझ आ गई। अब बारी आती वॉच खुद का क्या करें। वॉच एक बहुत ही गंभीर वर्ड होता है, ध्यान देना। वॉच का मतलब होता है ऐसी चीज को देखना, ऐसी चीज को देखना जिसमें मूवमेंट हो, पारी चीज। ठीक। दूसरी बात, जिनको देखने के लिए हम एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हो। अब ध्यान देना, आप रास्ते में जा रहे हो, हाथी दिख गया, आपसे देख लिया, बाकी बात खत्म। लेकिन जिस समय आप टीवी देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई सॉन्ग देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, वहां पर एक से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन यूज होते हैं। पहला आंख से देख रहे हैं ना,
अब कान से सुन भी रहे हैं क्या आवाज आ रही है और दिमाग में सोच भी रहे हैं ये जो वीडियो में देख रहा हूं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके पहले क्या हुआ होगा, क्या कैसे होने वाला है, जिसको मैं बारीकी से देखूं, मतलब वहां पर आपके दिमाग में एक प्रकार की स्टडी चल रही है, एक थीसिस चल रही है, एक सोच चल रही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, उसके पहले क्या घटना घटित हुई होगी, उसके बाद में क्या घटित हुई होगी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है। आप जब आप मूवी देखते हैं, निश्चित रूप से आप उस मूवी को उसके पहले के लेसन से, पहले के टॉपिक से कोरिलेट करते हैं, अब बाद में रिजल्ट क्या आने वाला उसका इंतजार रहता है। तीन चीज यहां पर है, मतलब एक प्रकार का अध्ययन है, एक प्रकार का क्या है, अध्ययन है। आप वॉच कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ आंखों से नहीं देख रहे हैं, वहां पर एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां हैं, आप वहां पर क्या लगाएंगे, वॉच। जैसे शी वॉज वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग टेलीविजन, दे वॉच द बिल्डिंग, दे वॉच द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग को वॉच किया। तो सिर्फ आप यहां पर मत देखिए जहां पर मूवमेंट हो, यहां पर देखना जिन चीजों को देखने के लिए कई ज्ञानेंद्रियां काम करें। एग्जाम्पल के रूप में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तो जब आप कोई बिल्डिंग देखने गए हैं, दीवारें कैसी हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, फाउंडेशन कैसा है, लोकेशन कैसा है, एरिया कैसी, सारी चीजों को देखकर ऑब्जर्व करते, मतलब आपने बिल्डिंग को देखा नहीं है, बिल्डिंग को वॉच किया है आपने, बराबर है। इसलिए कभी भी सिर्फ इस बात से मत देख लेना कि चलती हुई चीजों को, अगर कोई चीज अस्थाई है, स्थिर है, उसका अध्ययन करने के लिए आप देखते हैं, वहां वॉच लगाएंगे। फिर एक आदमी था, खड़ा था वॉच में, वहां आदमी खड़ा था, आप वो वॉच कर रहे हैं, क्या वॉच कर रहे हैं, उसका बिहेवियर, उसका दृष्टिकोण, वो किस पोजीशन में खड़ा है, किस लिए खड़ा है, उसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे खड़ा है, कौन है। जब इतनी चीजें, कई चीज दिमाग चलती है, तब देखने के लिए आप क्या लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। इसलिए ये रूल कि जो चीजें होती है मूवमेंट में, सिर्फ वहां पर वॉच लगाएंगे, ये रूल बिल्कुल 100% खत्म है। आप स्थिर चीजों को देखने के लिए भी वॉच लगाएंगे अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, बारीकी से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको ध्यान से देख रहे हैं, सारी लोकेशन समझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, वॉच। इसे आई वॉच वॉचिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग आप वॉच कर रहे हैं, आप सी नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर से निकले हैं बिल्डिंग देखने के लिए, आपका एम है बिल्डिंग को देखना। बिल्डिंग देखना क्या देखना, सिर्फ बिल्डिंग देखना नहीं है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, सारी बातें आप देख लेते हैं। ऐसे में आप बिल्डिंग भी खड़ी है, स्थिर है, फिर भी आप वहां पर वॉच करते हैं, ठीक। अब बारी आती लुक की, लुक के लिए क्या करेंगे, लुक जब आपको किसी स्टिमुलेटर के द्वारा देखना पड़े, मजबूरी में, ध्यान रखना, मजबूरी में देखना पड़े, कोई उद्दीपक है, कोई स्टिमुलेटर है, वो आपको स्टिमुलेट कर रहा देखने के लिए, आप अपने मन से नहीं देख रहे हैं, खुद से नहीं देख रहे हैं, किसी ने आपको स्टिमुलेट किया, आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप कुछ और कर रहे हैं, किचन का लुक एट ब्लैकबोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोतल देखो, तब आप गर्दन उठा करके देखते हैं, क्योंकि टीचर यहां पर आपके लिए स्टिमुलेटर का काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप वहां पर लुक का यूज करेंगे। दोस्तों ये रहा सी, वॉच और लुक के बीच में अंतर। अब आज मुझे उम्मीद है आज के बाद में इन तीनों वर्ड के बीच में आपके पास किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ एक सेंटेंस आपके लिए दिया जा रहा नीचे, इसमें आप सी लुक वॉच क्या रहेगा, करेक्ट आंसर लिख करके जरूर दीजिए।